बाद मुझे वहाँ से, मैं बाइक पर बैठी, जॉब के सिलसिले में मेरी बात हुई थी, वहाँ से आगे प्लानशेट रोड पर मुझे कार में बैठाया गया। धीरज धीरज, तो मैं आगे आगे वहाँ पे प्लानशेट रोड पे कार थी, कार में बैठाया, फिर चार उसमें तीन लोग और थे, उसमें नाम गया, मैंने पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा दोस्त है। अच्छा। उसके बाद मैं बैठ गई, उसके बाद उन्होंने गलत काम करा, आगे नशीले मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, आगे फिर मुझे औरंगाबाद वाले रोड पर उतार दिया। मेरी बेटी कॉलेज गई थी, कॉलेज के गेट से उसको उसका दोस्त वो मिला, धीरज नाम का लड़का, उसने कहा कैसे खड़ी हो, तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, तुम जॉब के लिए बोल रही थी कि हाँ कंप्यूटर आता है तुमसे चलाना, कि नहीं आता है लेकिन इतना नहीं आता, तो चलो तो तुम तो जॉब के लिए मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, मेरी बात हो गई जॉब के लिए। उसे ब्लैंड शेयर ले गया अपाची गाड़ी पर, फिर वहाँ ब्लैंड शेयर ले जाने के बाद में उसने कार बुलाई, मेरी बेटी ने पूछा कि ये लड़के कौन हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसी कुछ हुआ नहीं है इनसे, मेरी घर की बात है। उसे बिठा कर औरंगाबाद रोड पर ले गए, इसने विरोध करा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने कह दिया हम जॉब के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में मेरी बेटी को कोई होश नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और तीन लड़के और थे, तीनों ने इसके साथ जबरदस्ती करी है, और उस लड़के ने भी किया, और औरंगाबाद रोड पर इसको फेंक कर चले गए। जब इसको होश आया तो डॉक्टर के थे, डॉक्टर ने इससे पूछा बेटा कहाँ की हो कहाँ की नहीं हो, कि इसने इसी इतनी भी कंडीशन में नहीं थी कि ये कुछ कहे डॉक्टर से, बस इसने पूछा था मैं कहाँ हूँ, कि तुम औरंगाबाद हो, औरंगाबाद के बाद में कोई रिलेशन है, कि हाँ मेरी बुआ रहती है, मुझे फिर भी मंगा दो मैं चली जाऊँगी, बस ये अपनी बुआ के गई है। फिर उसके बाद में हमारे पास फोन आया, हम इसको लेने गए। थाना जहांगीराबाद में एक टेली प्राप्त हुई जिसके अनुसार दो दिन पहले 1 सितंबर को एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके FIR पंजीकृत कर ली गई है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है, बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए।